अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिए तीन बड़े फैसले। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन बड़े फैसले लिए हैं जो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां भारत में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि वह दिन पर दिन मुसलमानों पर जुल्म करते जा रही है, वहां पर आज जो अमेरिकन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बड़े किए हैं जो अब तक किसी फॉरेन कंट्री ने नहीं किया है। दोस्तों आपको भी जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि एक फॉरेन कंट्री और उसमें भी अमेरिका ने तीन फैसले लिए हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐसे कौन से तीन फैसले किए गए हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों दरअसल सबसे पहला बड़ा फैसला अमेरिका में यह लिया गया है कि पहले अमेरिका में अंजान देने का तरीका मस्जिद तक ही सीमित था। अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की सरकार ने मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने की इजाज़त दे दी है, यानी कि अब जब भी मस्जिद में अजान होगी तो इलाके के लोगों को उसकी आवाज़ आसानी से सुनाई देगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज अदा कर पाएंगे। दोस्तों अमेरिका की सरकार द्वारा दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है कि बीते साल न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुए हमले के बाद दुनिया भर में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका में मौजूद हर मस्जिद में सिक्योरिटी लगाने का फैसला सुनाया है। यह सिक्योरिटी 24 घंटे के लिए मस्जिद की निगरानी करेगा। अब तीसरा बड़ा फैसला जो अमेरिका की सरकार द्वारा लिया गया है वो है, पहले अमेरिका में नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अदा की जा सकती थी, लेकिन अब अमेरिका सरकार ने इस मामले में भी बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश दिया है कि अब अमेरिका में रह रहे मुसलमान सिर्फ मस्जिद पर ही नहीं बल्कि सड़क पर भी नमाज अदा कर सकते हैं, यानी कि मस्जिद में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो सड़क पर भी उसमें नमाज अदा कर पाएंगे। दोस्तों बताया जाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेने के लिए अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका में मस्जिद कम होने के बावजूद भी नमाजियों की तादाद ज़्यादा है। अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को नमाज अदा करने पर पहले काफ़ी पाबंदियां हुआ करती थी, लेकिन वहां के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के बताए गए रास्ते पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और समय पर नमाज अदा करते हैं। उसी की वजह है कि आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का फैसला लेने को मजबूर हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना